मेरी सखी मंगल का गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आज की वीडियो में आप लोग न्यूली मैरिड मेकअप लुक नई दुल्हन अगर आप हो नई नई अगर आपकी शादी होने वाली है अगर आपकी नई नई शादी हो चुकी है तो यार बड़ा सुंदर तरीके से होके रहते हैं है ना नई दुल्हन तो आप बिल्कुल ऐसे ड्रेसअप हो सकते हो बाई में ये जो मेकअप लुक था ना नंगाई से मैंने हर तालिका तीज के लिए मेकअप लुक क्रिएट किया था दो दिन पहले इसको क्रिएट कर लिया था आई थॉट मैं उसी दिन एडिट करके डाल दूंगी बट ओ माई गॉड मेरे फोन में क्या एरर आया था मैं एडिट ही नहीं कर पा रही थी डाटा को एनी आज हम इस वीडियो को शेयर कर आप आने वाले बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं आप किसी में भी ये वाला क्रिएट कर सकते हो बाकी अगर आपकी नई नई बिल्कुल लुक तो मेरे दिमाग में नई दुल्हन वाला ही था ये तो आ, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको बता दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी लुक कैसा लगा कॉमेंट करके बताना लेट्स मेकअप शुरू करूँ उससे पहले ना गाइस मैं अपने फेस को वॉश करूंगी और मैं यूज़ करूंगी गुड वाइब्स वाइप्स सी ग्लो फोमिंग फेस वॉश विथ डीप क्लेंजिंग ब्रश और ये जो सिलिकॉन ब्रश है ना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है एक तो जेंटल आपके फेस के ऊपर एंड हम डेली बेसिस पे ना स्क्रबिंग नहीं कर सकते ठीक है लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे वाला सिलिकॉन ब्रश के साथ अपने फेस को क्लीन करोगे ना तो बिल्कुल भी आपके फेस के ऊपर गंदगी धूल मिट्टी जो पोर्स के अंदर रह जाती है ना वो नहीं रहेगी एंड बात करें गुड वाइब्स एज अ ब्रांड की तो पैरबिंस नहीं है सल्फेट्स नहीं है कोई भी एनिमल टेस्टिंग नहीं है और ये जो व्हाइटमेंट सी वाला ब्रश है ना ये जो वाइटमिन सी वाला जो फेस वॉश है ना हम सब जानते हैं वाइटमिन सी जो होता है वो आपके आ, स्किन को ब्राइटन करने में दाग धब्बों को हटाने में आपको हेल्प करता है इसके अंदर ऑरेंज है जो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होता है एक्ने को प्रिवेंट करेगा अनक्लॉक करेगा आपके पोर्स को फेस तो देखो मैंने अपना बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लिया अब मेरा मन कर रहा था मास्क अप्लाई करने का तो मैं आप यूज करूंगी गुड वाइब्स का इंस्टाग्लो उपटन फेस मास्क इसके अंदर है सेफरन, टर्मरिक एंड सनफ्लावर सीड ऑयल जो सेफरन होता है ना मतलब केसर एंटी इन्फ्लामेट्री होता है सूद करेगा आपकी स्किन को एक नेचुरल रेडियंस ऐड करेगा आपकी स्किन में टर्मरिक हल्दी की होती है रिड्यूस करेगी रेडनेस को मॉइस्चराइज करेगी आपकी स्किन को डीपली काम करेगी इरिटेटेड स्किन को और जो सनफ्लावर सीड ऑयल होता है ना अनक्लॉक करेगा आपके पोर्स को हेल्प करेगा आपको प्रोटेक्ट फ्रॉम सन डैमेज और सूद करेगा आपकी स्किन को एक ट्रिक बताऊँ गाइज जब भी आप मेकअप लुक करते हो ना तो नॉर्मल वाली जो स्किन केयर करते हो ना फेस वॉश करना टोनर सीरम लगाना उससे ना एक स्टेप एक्स्ट्रा आप क्या करो आप स्क्रबिंग भी कर लिया करो फेस मास्क लगाया करो उसके बाद आप मेकअप किया करो मतलब यूजुअल स्किन केयर करने करके फिर आप देखना आपकी स्किन बहुत अच्छी दिखेगी एंड आपको पता है ये आपके जितने भी डेड स्किन सेल्स होते हैं उसको अच्छी तरह से हटा देगा पोर्स को आपके क्लीन करेगा तो अब आप देखो मेरी स्किन मैंने पंद्रह मिनट के लिए बस रखा था फेस पैक एंड उसके बाद वॉश किया स्किन एकदम अच्छी हो गया अब टोनर लगाऊंगी मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का इंस्टा ग्लो टोनर सेम रेंज का टोनर है ये उपटन वाला टोनर टोनर ना आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है एकदम रिफ्रेश कर देता है हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और साथ साथ में ना गाइस हर एक स्किन टाइप को ये सूट भी कर जाता है ये डीप डिटॉक्सिफिकेशन भी आपको देगा तो मैंने जस्ट हल्का सा स्प्रे कर दिया अपने पूरे फेस के ऊपर टोनर डैब 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 कर लिया अब मैं आप यूज करूँगी गुड वाइफ का वाइटमिन सी सीरम ब्राइटनिंग में आपको हेल्प करेगा टेक्स्चर बहुत अच्छा है इसका लाइट वेट इसका टेक्स्चर एंड वाइटमिन से आपको पता है आपको पिगमेंटेशन को रिमूव करने में आपको हेल्प करता है हर एक स्किन टाइप को ये सूट भी कर जाएगा दाग धब्बे या जो भी अगर आपके एक्ने मार्क्स वगैरह उसको हटाने में आपको हेल्प करेगा तो अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे अपने फेस के ऊपर सीरम अप्लाई कर लिया ये आपके ब्लेमिशेस को ट्रीट करने में आपको हेल्प करेगा और साथ साथ में ना गाइस आपके उस स्किन को ब्राइटन करेगा इवन टोन करेगा इसके अंदर ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट है लेमन पील एक्सट्रैक्ट है जो आपके स्किन को इवन टोन और डाक धब्बों को हटाने में आपको हेल्प करेगा देखा आपने इसको अप्लाई करते स्किन कैसी ब्राइट सी, सी नज़र आ रही है आप इसको अपनी मॉर्निंग रूटीन में इंक्लूड करो नाइट टाइम रूटीन में आप इसको इंक्लूड करो स्किन केयर मैंने अपने कर ली एंड गुड वेल्स एज अ ब्रांड की बात करूँ तो मैं बहुत सालों से यूज़ करूँ आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ रिकमेंड भी करें इनके प्रोडक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं एंड हर एक स्किन टाइप को भी सूट कर जाते लिंक्स आपको मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर आप इनको ट्राई करो चलो जी अब मैंने बातें करते करते अपने यहाँ पे लेंसेज डाले ब्राउन कलर के और अब मैं यहाँ पे शुगर का प्राइमर लगा रही हूँ प्राइमर लगाने से आपके जितने पोर्स होते हैं ना वो ब्लर हो जाते हैं फिल हो जाते हैं ना आपके पोर्स तो फिर वो ब्लर से नजर आते हैं स्मूद हो जाता है आपकी स्किन का टेक्सचर फिर मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन ले रही ये वन ऑफ माय फेवरेट फाउंडेशन है क्योंकि लाइट वेट है और डेली वेयर के लिए अगर आप इसको डालना है आप इसको वैसे और अगर आप इसकी एक और लेयर लगाओगे ना इस फाउंडेशन की तो बहुत अच्छा आपका पार्टी के लिए भी ये फाउंडेशन है बहुत अच्छा ब्यूटिफुली ब्लेंड करता है नेचुरल लुक देता है हैवी एंड वैसा केकी टाइप्स नहीं लगता अच्छा अगर मैं बात करूँ ना एज अ अगर आप किसी फेस्टिवल में या फिर जैसे कोई व्रत वगैरह अगर आपका होता है या फिर नहीं अगर आप दुल्हन हो तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आप मेकअप करो लेकिन ना थोड़ा सा लाइट रखो अपने बेस मेकअप को या फिर जिसको आप कैरी कर सको अब ये नहीं कि आपने ओवर ओवर सा मेकअप कर लिया एंड थोड़ी देर बाद आपने हैवी ज्वेलरी ये सब डाल के आपको घबराहट सी होने लगी मतलब मेकअप करो अच्छा भी दिखे लेकिन ओवर भी ना दिखे ठीक है तो जो नई दुल्हन है उसको लिए तो ये वाला मेकअप मुझे लगता है बिल्कुल अप्रोप्रिएट आपने देखा मैंने कितना कम फाउंडेशन लगाया कंसीलर मैंने यहाँ पे लगा लिया था अपना वो वाला आ, स्विस ब्यूटी का हल्का हल्का कंसीलर जहाँ रिक्वायर्ड था बेस को मैंने एन वाई बे के कॉम्पैक्ट के साथ सेट कर लिया अब मैं अपने ब्राउज को फिल करूँगी पर्पल का आईब्रो पैलेट है तो हल्के हल्के से अपने ब्राउज को फिल करूँगी हैवी नहीं जाऊँगी ताकि बड़ा नेचुरल सा लुक नज़र आए एंड चलो जी हमने आईब्रोज़ को फिल कर लिया उसके बाद मिलाने का यहाँ पे मैंने आई शेडो पैलेट ले लिया अब देखो आपके पास कोई तो आई शेडो पैलेट होगी डेफिनेटली होगी ठीक है आपने उसमें से ना एकदम जो आपकी स्किन टोन के साथ मैच शेड होता है ना जैसे कोरली ब्राउन सा कलर अब वैसा वाला शेड ले लो जो बहुत नेचुरल लुक देता है देखने वाले को लगेगा कि यार इसने मेकअप किया है लेकिन ओवर नहीं लगेगा ठीक है यार आप उसको सारा सारा दिन के लिए कैरी भी कर सकते हो जैसे नई दुल्हन होती है होता है ना अब नया नया तैयार होकर रहो तो ये वाला मेकअप लुक परफेक्ट है जब मेरी नई नई शादी हुई तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करती थी अच्छा भी दिखता था क्योंकि ओवर भी नहीं लगता था एंड सारा सारा दिन भी मेकअप टिका रहता था तो बस मैंने यहाँ पे क्या कर लिया मैंने ना हाईलाइटर लगाया मैंने जो आपका हाइलाइटर होता है वो ज़्यादा शाइन करता है हल्का सा भी लगाने से एंड बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड करता है फॉर एवर फिफ्टी टू का ये ना हाइलाइटर पैलेट है तो इसको जस्ट मैंने अपने लिड के ऊपर लगा लिया है एंड अच्छे से फिंगर्स के साथ ही ऐसे ब्लेंड कर लिया है तो बड़ा सीमलेस सा लुक आ गया इसके साथ एंड लैकमे का काजल लगाया अच्छा जब आप ऐसे कुछ मेकअप वगैरह करते हो ना तो श्योर sure आपका वाटरप्रूफ काजल होना चाहिए ये नहीं कि थोड़ी देर में बहना शुरू हो जाए निकलना सारा कुछ आप वाटरप्रूफ में ही यूज़ करना फिर वो निकलता रहेगा घर का काम करने में या फिर व्रत वगैरह अगर आप रखते हो या कोई फेस्टिवल अटेंड करते हो तो अच्छा नहीं दिखता है ना तो वाटर काजल मैंने यहाँ पे लैकमे का लगा लिया लोअर वाटर लाइन को मैं चाहती हूँ तो थो मैं थोड़ा सा डार्क में भी समझ कर सकती थी बट ये एकदम नई दुल्हन वाला मेकअप था तो मुझे हैवी बेस नहीं देना था हैवी मेकअप लुक नहीं देना था नेचुरल देना था तो मैंने हल्का सा ब्राउन कलर के साथ आप इसको अपने लोव वाटर लाइन को स्मच कर लो पर्पल का मस्कारा है वन ऑफ द बेस्ट मस्कारा मुझे बहुत पसंद है ये वाटरप्रूफ मस्कारा है एंड ये बिल्कुल भी स्मच नहीं करता आपके लैशेस को क्लमसी सा नहीं बनाता एंड होल्ड रहता है इसका मतलब अगर मैं लगा लूंगी ना तो मेरी लैशेज एकदम ऐसी खड़ी सी नहीं हो जाती जैसे लैशेज बिल्कुल वैसे रहेंगी कॉन्टोर के लिए बताऊँ तो फिर मैंने बहुत हल्का हल्का सा यही जो मिलानी का पैलेट थी ना ये शेडो पैलेट इसमें ये कॉन्टोर शेड था अब उसी के साथ मैंने अपने फेस को हल्का हल्का सा कॉन्ट्रोल कर लिया अगर आपको नहीं भी करना तो आप मत भी करो अब मेरा फेस आई फील लाइक मुझे थोड़ा सा मोटा लगता है हल्का सा डायमेंशन अच्छा लगता है फेस के ऊपर हल्का हल्सा लगा के आप उसको ब्लेंड कर लो ब्लश भी मैं ना सेम पैलेट में से ले रही हूँ हल्का हल्का सा मैं ब्लश अप्लाई कर लूंगी एंड जब आप ब्लश लगाते हो ना चीक्स के ऊपर हल्का सा नोज के ऊपर भी लगा लिया करो पता नहीं उससे बड़ा सुंदर वाला लुक आता है एंड जचता भी है फेस के ऊपर लेकिन हल्का सा नोज़ एकदम पिंक पिंक नहीं नज़र आना चाहिए और ये देखो मैंने लगाया ना यहाँ पे जो लेफ्ट सा, जो बच जाता है ना आपके ब्रश के ऊपर सब कुछ करने कराने के बाद बस आप उतना सा लगा लिया करो अब ये फॉर एवर फिफ्टी टू की ये सेम मतलब पैलेट में से आ, मैं ना सिल्वर कलर लूंगी जिसको मैं अपने एज अ हाईलाइटर यूज करूंगी और पूरी चीक्स के ऊपर लगाऊंगी ऐसा नहीं करूंगी कि वो हाईलाइटेड कोई एरिया के ऊपर लगाऊं इससे क्या होगा ना आपकी वो जो पूरी चीक्स है ना वो थोड़ी सी ग्लोई नजर आएंगी बड़ा सीमलेस लुक नजर आएगा तो बस हल्का हल्का सा मैंने बड़े वाले ब्रश के साथ लगा लिया ताकि सब कुछ बड़ा ब्लेंडेड सा भी नज़र आए लेकिन ओवर सा ना नजर आए अब मैंने छोटा सा ब्रश ले लें उसके साथ मैं अपने यहाँ पे ब्राउ बोन पे लगाऊंगी हाइलाइटर और आइज़ के कॉर्नर में कमेंट करके बताना आपको ये एकदम न्यूली मैरिड मेकअप लुक कैसा लगा अगर आपकी नई नई शादी हो रही है अच्छा कुछ लोग बोलते हैं ना नई नई शादी हो रही है हम कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो देखो या किट हमारे साथ शेयर करो बिगनर किट तो देखो मैं वही वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो आपको एज अ बिगनर होने चाहिए आपके पास सेटिंग स्प्रे तो आप करोगे ना एट द एंड तो मैंने यहाँ पे निक्स का सेटिंग स्प्रे कर लिया ताकि सारा कुछ मेरे एकदम सेट रहे डूई वाला मैंने सेटिंग स्प्रे यूज किया एंड uh, यहां पे मैंने स्विस ब्यूटी का पेन लाइनर यूज कर लिया बट आजकल आई एम करेंटली अपसेस्ड विथ माम मामर्थ का आई मुझे बड़ा ही पसंद आ रहा है मामर्थ का आई क्योंकि इधर मैंने तीन चार बार यूज़ करना उसकी जो टिप है ना उसके साथ बड़ा पतला सा लाइनर बन जाता है तो नहीं ट्राई किया आप उसको भी ट्राई कर सकते हो आज तो चल मैं मम्मी के घर में लेके नहीं आई थी लैशेज इज़ एन ऑप्शन ठीक है नहीं भी लगाओगे तो ठीक है बट मेरे को तो देखो अपना मेकअप लुक है मेरे को कंप्लीट करना है तो मैं लैशेज लगा रही हूँ मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ना लिप लाइनर लगा लिया बट इसका कोई वो नहीं हुआ मुझे ना डार्क कलर लगाना चाहिए था समथिंग इन अ ब्राउन टोन काइंड तो वो मेरे पास यहाँ पे मिल नहीं रहा था यार फिर बट मुझे रेड वाला मैंने लगा लिया बाकी नहीं भी लगाती तो यार चल जाता ठीक है शेड नंबर वन है ये शुगर का ये लिक्विड लिपस्टिक है शुगर की तो ये बड़े ब्यूटीफुल वाला बिल्कुल न्यूली मैरिड वाला रिच रेड कलर है ये इट्स नॉट ब्राउन सॉरी इट्स नॉट कि वो ऑरेंज टोन में जाएगा या मरून टोन में जाएगा एकदम प्रॉपर वाला रेड है <laughs> चलो जी मेकअप लुक मेरा हो गया साड़ी मैंने डाली अच्छा ये जो ग्रीन लहरिया साड़ी है ना ये है मैंने मीशो से मंगवाई थी ब्लाउज इसके साथ का है आई थिंक रेड में ही है लेकिन मैंने उसको स्टिच नहीं करवा पाई मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो अब ये रेड कलर का मेरा ब्लाउज कोई पुराना था वो मैंने डाल लिया ज्वेलरी भी मीशो की है मंगल सूत्र भी मीशो का है मीशो की तरफ से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है मीशो के साथ तो आ, आ, मतलब मैं काम ही नहीं कर रही हूँ फिलहाल ये मैंने खुद अपने पैसों से खुद सब कुछ खरीदा है ज्वेलरी ये वो एवरीथिंग क्योंकि यार मुझे मेकअप लुक्स करने अपने अच्छा ये वाली वीडियो बिल्कुल दो दिन पहले जाने वाली थी आप देख लो मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह रील्स डालनी थी अब ये वीडियो लेट इसलिए जा रही है क्योंकि मेरे एडिटर में प्रॉब्लम आ गई थी मैं अपनी वीडियोज को एडिट ही नहीं कर पा रही थी फोन में कोई वायरस एरर हो गया था इसलिए वीडियो मेरी लेट जा रही थी बट मैंने जब वीडियो शूट की थी ना साथ ही मैंने इंस्टाग्राम की रील्स बना के अपलोड कर दी थी तो सॉरी इसलिए वीडियो आपकी लेट गई है एनी वेस बातें करते करते आपने देखा मैंने बिंदी लगा ली साथ में मैं सिंदूर लगा रही हूँ मुझे हमेशा कॉमेंट आता है दी लिपस्टिक के साथ सिंदूर नहीं लगाया करो अब एक्चुअल जो आता है ना पाउडर सिंदूर आप वो लगाओ तो अच्छा लग रहा था यार मतलब सच्ची बड़ा सुंदर भी लग रहा था लगाते ना सिंदूर मुझे लगा भाई अभी तो अभी अभी अभी, अभी मेरी शादी हुई है एकदम नई नए ऊपर से चार चांद लगाने के लिए मैंने लाल रंग का चूड़ा भी डाल लिया ये भी मीशो का ही और ये पता नहीं यार डेढ़ साल दो साल पुराना चूड़ा है Uh, और ये मंगलसूर तो भी मैंने कोई लास्ट ईयर खरीदा था बट इतना होता है आप अपनी चीज़ों को बड़े सुंदर तरीके से प्यार से डब्बों में बंद करके रखते हो तो चीज़ें नई रहती हैं रिंग्स चारों के चारों मेरी गोल्ड के रिंग्स हैं एंड आई थॉट की सिंपल रखते हैं हाथों को बट अपनी गोल्ड वाली रिंग्स अरे ऐसे तीस त्योहारों में लग लोग निकालते हैं ना लड़के निकालते हैं ऐसे गोल्ड वाले रिंग्स मैंने अपने डाले सबको मैंने अलग अलग डिज़ाइन में अपने लोकल ज्वेलर से ही बनवाया हुआ है तो रिंग्स होगी एंड फिर बाद में नेल्स तो देखो नहीं लगाऊंगी तो फिर मेरे को इनकम्प्लीट लगेगा लुक आप के लिए ऑप्शन है मैंने नेल स्टेशन के यहाँ पे नेल्स लिए इंस्टाग्राम का पेज है नेल स्टेशन बड़े सुंदर वाले यार इनके नेल्स होते हैं मेरा दिल खुश हो जाता है इनके नेल्स लगा के नेल्स लगा लिए एंड ओवरऑल मेरा लुक कंप्लीट है कैसा लगा जी कमेंट करके आप जरूर बताना एंड बड़े वियरेबल वाला न, बिल्कुल नई दुल्हन वाली वाइब्स अगर आपको मेरे से आ रही है तो आप बिल्कुल ऐसा वाला मेकअप करो मेकअप के ये वाले प्रोडक्ट्स यूज कर अच्छा ये जो हैंड बैग इसको मैंने अमेजोन से मंगवाया था एंड uh, कितना क्यूट लग रहा है ना बिल्कुल ग्रीन एंड रेड uh, टोन में था तो मैंने सोचा मेरे साड़ी के साथ अच्छा जाएगा तो मैंने इसको ले लिया थोड़ा बहुत सामान आपका इसके अंदर आ जाएगा ठीक है शुगर क्रश करके कोई ब्रांड था आ, पर था कितने का अठारह उन्नीस सौ का था हाँ अठारह उन्नीस का था मैं सोच भी नहीं थी लू ना लू लू ना लू देन आई थॉट कि अरे मेरी मेकअप लुक्स में कंप्लीट करेगा मेरे लुक को तो एक बार ये ना इन्वेस्टमेंट होती है मैं तो इन्वेस्टमेंट सोच के ले लेती हूँ कि ले लो भाई मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हम इसको मिक्स एंड मैच करके और भी आउटफिट्स के साथ डाल लेते हैं फुटवेयर भाई तीन सौ रुपये के फुटवेयर मैंने अमृतसर से खरीदी थी जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है गोल्डन एंड सिल्वर कलर में ऐसा कुछ वो इतने आउटफिट्स के साथ मैं डाल चुकी हूँ ना आपके पास अगर ऐसी फुटवेयर अगर आपको कहीं मिले ना तो आप जरूर बाय करना टैन